जलंधर थाना भार्गव कैंप की पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान दो युवकों को काबू कर उनके पास से अवैध पिस्तौल व नशीली गोलियां बरामद की। जानकारी देते हुए एसीपी वेस्ट कैलाश चंद्र ने बताया कि थाना प्रभारी जीवन सिंह की अगुवाई में एएसआई सतनाम सिंह ने माता रानी चौक मॉडल हाउस में नाकाबंदी की हुई थी। इसी दौरान एक बाइक पर सवार दो युवकों को शक के आधार पर रोका गया। तलाशी लेने पर उनके पास नशीली गोलियां व पिस्तौल बरामद हुई, जिसका लाइसेंस आरोपी दिखा नहीं सके। आरोपियों पर मामला दर्ज कर पूछताछ की गई है तो उन्होंने अपना नाम फारूक पुत्र हाकम अली निवासी न्यू दशमेश नगर, मनप्रीत उर्फ मनी पुत्र गुरमीत राम गांव स्लो जिला शहीद भगत सिंह नगर बताया। आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड हासिल किया जाएगा। ब्यूरो फिर अचानक न्यूज जलंधर। कल ही ऐसा ही सतराम सिंह वालों एक बड़ी इन्फॉर्मेशन से नाकाबंदी माता रानी चौक च मुलाजमत सर्च की गई थी। दो व्यक्ति जो मोटरसाइकिल से माता रानी चौक च मोटरसाइकिल नंबर BB08CL2660 से स्पलेंडर मोटरसाइकिल जो कि हीरो होंडा वाले का दो मोने नौजवान सवार आए, जिन्हों रोकया गया, रोक के ना पता पूछा गया। मोटरसाइकिल चलाने वाले ने अपना नाम फरूक पुत्र हाकम वासी यूपी हाल न्यू दशमेश नगर जलंधर, दूसरा मनप्रीत उर्फ मनी गुरमीत राम वासी सलोह शहीद भगत सिंह नगर जो कि इतने लोकल जलंधर च ही रह रहा और दोनों कट्ठे सब्जी का काम करते हैं। जदों इन्हों की तलाशी ले गए, इन्हों की तलाशी करते मनप्रीत सिंह पासों 245 नशीलियां गोलियां, फरूक को 260 नशीलियां गोलियां और उसकी सर्च करते पिंड की सजी डब के पिछों एक रिवाल बत्ती बोल दो जिंदारत बरामद हुई। दोनों दोषियों को गिरफ्तार करके इन्हों के खिलाफ मुकदमा नंबर 125/17/70/17 दर्ज करके अंडर सैक्शन 22-65 25-50 के तहत दर्ज किया गया, जिन्होंने पेश करने तो बाद रिमांड लैके इन्हों को फर्दर पूछगिछ की जाएगी।